सत श्री अकाल बेटा जी। बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी। म्यूचुअल इंडक्शन तब होती है जब एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा हो, उसके पास कोई दूसरी कॉइल रख देंगे तो उसमें भी करंट आ जाता है। कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं, करंट वहां पर आ जाएगा। थोड़ा मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरह की कॉइल पड़ी है। थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश है। इस तरह से कॉइल है और इसके मैंने बहुत टर्न्स कर रखे हैं, जिसके कारण क्या हो, थोड़ी शक्ति जो है मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा। अब हमने इसे इस तरह से रखा है, 3D में आपको दिख जाए किस तरह से ये हमारी जो लूप है वो पड़ी हुई है। इसे हम लूप वन बोल देते हैं, लूप वन, जिससे याद रहे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ करंट चेंज करना है। अब करंट चेंज कैसे करें, उसका बेस्ट इलाज ये है कि इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये जो लूप हमने बनाई, इसको हम अपने घर में जो करंट आता है बैटरी से नहीं आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसे एक AC सप्लाई दे देते हैं। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हम बैटरी का करंट पढ़ते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। उसकी दिशा जो है वो सेम रहती है, अल्टरनेट नहीं करती, इसकी दिशा चेंज करती रहती है। यानी कि अगर आप स्लो मोशन में इस करंट को देखेंगे तो करंट कभी क्लॉकवाइज जाएगा और कभी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऑल्टरनेट करता रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर करंट चेंज होता जाएगा, वैल्यू करंट की बढ़ेगी, कम होगी, फिर नेगेटिव दिशा में चली जाएगी, नेगेटिव मतलब उल्टी दिशा में चली जाएगी। तो इस तरह से हमें एक चेंजिंग करंट जो है इस लूप में मिल रहा है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अगर इस तरह से हो तो ये इस लूप में सेल्फ इंडक्शन हो जाएगी, खुद ही अपना विरोध करना शुरू कर देगी, एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। बट हम उसे इस वीडियो में इग्नोर करेंगे, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की बात, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा। जैसे जैसे करंट चेंज होगा, वैसे इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है लूप, वो भी चेंज होगी। और क्या होगा अगर हम कोई दूसरी लूप इसके नियर बाय या पास में ले आए। इसे कोई भी कनेक्शन मैंने नहीं दिया है, बस इसको पास में रख दिया है। देखिए, व्हेन चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, जो हमने कर दिया है, जनरेट्स EMF इन अ नियर कॉइल, कॉइल जो साथ वाले के पास पड़ी हुई कॉइल के अंदर करंट जनरेट कर दे। अब इसके अंदर करंट जनरेट हो जाने वाला है। मान लीजिए अगर हम देखना चाहते हैं तो एक ऐसे LED लगा दूं तो ये जलनी शुरू हो जाएगी, LED में लाइट आ जाएगी। क्यों, मतलब सर कुछ करंट होगा। हम उस करंट की दिशा में अभी नहीं जाएंगे कि डायरेक्शन क्या होती है, हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। दिशा हम जिस तरह से लेंजेज लॉ समझते थे उसी तरह से, मतलब ये भी विरोध करेगी जो भी चेंज हो रहा है। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज होगी, मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ, इस तरह से कम है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरह से, तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फ्लिक्स है, ये दूसरी जो लूप है, क्योंकि वो पास रख दी गई है, उसको भी इसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। इट विल बी अफेक्टेड विद द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्या काम करेगी, वही जो फैराडे ने बोला था, किसी भी कंडक्टर या लूप के पास अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं उसकी अपोजिशन होगी। तो याद रखिएगा, नो वन लाइक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती हुई किसे भी नहीं चाहिए। पहले देखा, खुद का ही विरोध कर दिया, जैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ उसका विरोध कर दिया। लाइक कोई नहीं करता तो क्या करता है भाई, हेट या अपोज करता है, और उस ओपोजिशन के चक्कर में ही करंट बन जाता है। अब ये जब मैंने लूप यहाँ लाया तो उसने देखा मेरे आसपास तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जब ये फ्लक्स इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, इस लूप के साथ लगेगी और वो भी चेंज होगी, तो ये उसका विरोध करेगा। इस इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या होगी सर, वैसे ही, तो इस तरह से, सच दैट सो दैट इट कैन अपोज, राइट। सो नो वन लाइक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी नहीं चाहता कि फ्लक्स चेंज हो, चाहे वो खुद ही हो तब अपने अंदर ही विरोध, और कोई पास में पड़ा हो उसके कारण हो रही हो तब उसका भी विरोध, अपोजिशन हमेशा होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। निकालें कैसे, पहले तो लूप के नाम अच्छे से दे देते हैं। इसको हमने बोल दिया वन, तो इसको हम टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको कई बार टेक्स्ट बुक में फैंसी वर्ड दे दिया जाता है, फर्स्ट लूप जिसमें हमने मेन करंट दिया हुआ है, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी, पहली कॉइल, और जो सेकंड है उसे बोल देते हैं सेकंड को सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। वन टू भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर फैंसी वर्ड टेक्स्ट बुक का मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर जो करंट बनेगा तो किसके कारण, कुछ वोल्टेज आई होगी तभी तो बना होगा। तो यहाँ पर जो EMF डेवलप हुआ है जिसके कारण यहाँ करंट आ रहा है, ठीक है, आई इन दिस लूप टू, वो कैसे कैलकुलेट करें। इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लिया था, आज हम देख लेंगे सर म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालें। अगर आपको पता हो यहाँ कितना करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, EMF कितना बनेगा, व्हाट विल बी द EMF, राइट, जिसके कारण ये करंट पैदा हो रहा है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वी विल से EMF
प्रोड्यूस्ड इन लूप टू, तो मैं जो पैरों में डाल रहा हूँ इसका मतलब आपको पता लगे मैं किसके ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ इसके ईएमएफ के बारे में जो वोल्टेज बन रही है। ईएमएफ इज अ फैंसी वर्ड वी आर यूजिंग फॉर वोल्टेज, जिसके कारण करंट दौड़ रहा है। जो ईएमएफ होगा वो बराबर होगा पहले तो नेगेटिव साइन, फैराडे लॉ जैसा। ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि जो ईएमएफ बनेगा वो इसका विरोध करना चाहेगा, जो भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का उसका विरोध करना चाहेगा। बढ़ रही होगी इसके पास तो घटाने की कोशिश करेगा, घट रही होगी तो बढ़ाने की, अपोज करना है, तो वो नेगेटिव साइन हमें दिखाता है। ये लेंज़ लॉ से आता है अच्छी तरह से कॉमन सेंस में। तो अभी डायरेक्शन की हम चिंता नहीं करेंगे, हम आगे देख लेते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। वहाँ पर यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। आप पाएंगे अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ कुछ नहीं होगा, लाइट नहीं जाएगी, और अगर ऑन कर देता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट तभी यहाँ पर आएगा, तभी यहाँ पर लाइट आएगी। चेंजिंग करंट जो है उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं लिखूंगा डी आई, कौन सी लूप में है लिख दूँ, वन पैरों में, जिससे याद रहे, डिवाइडेड बाय डी टी। इसे पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन करंट इन लूप वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या शॉर्ट में बोलना है चेंज इन करंट इन लूप वन विद टाइम। अगर इस टाइम को बढ़ा देते हो, स्लो लाते हो ये चेंज करंट का, तो क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जानी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। और अगर इस टाइम को बहुत ही कम टाइम कर देते हो, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा करंट चेंज कराते हो आप यहाँ पे, तो फ्लक्स भी उतना जल्दी चेंज होगा, बहुत ज्यादा आपको ईएमएफ जो है वो मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए डी आई वन डिवाइड बाई डी टी क्या है। अब वहां एक कॉन्स्टेंट आता था सेल्फ इंडक्टेंस पे, यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा और उसका नाम भी होगा म्यूचुअल का पहला पकड़ लेना है एम, वहां आता था एल। ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो एम है कॉन्स्टेंट हूज वैल्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन बोथ लूप्स, दोनों लूप, क्योंकि म्यूचुअल बात है ना, तो ये एक लूप पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों लूप पर डिपेंड करेगा, दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि हम म्यूचुअली इंड्यूस करा रहे हैं। तो ये याद रखना है, M जो होगा दैट इज सेम, वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ लेट अस समराइज, सर व्हेन यू आर चेंजिंग करंट इन द लूप वन विद टाइम, ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन द सेकेंड लूप और सेकेंडरी कॉइल, इट विल बी अपोज, डायरेक्शन विल बी अपोजिंग द चेंज, it will try to oppose the change and we will use one constant, name kya hoga isko bolenge kya, mutual inductance. What is the mutual inductance of these two coils, hamesha mutually baat hogi, do coils ki baat hogi, akele coil ki mutual kaise bata doge, to yahan par ek fark hai, jaise hum inductance lete hain to ek coil ki bata sakte hain kyunki wo akeli hai, but mutual inductance ki baat ho rahi hai, iska matlab do coils ki baat hogi, unki wo loop kitne loops lagi hui hain, area kitna hai, us par depend karegi unka ye constant jo hame zyada tar diya hota hai। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट आर द यूनिट्स, इसके यूनिट क्या होंगे, वहां यूनिट क्या थे, सेल्फ इंडक्टेंस के सर हेनरी एच से लिखते थे, यहाँ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट हैं, वो भी एच ही हैं, और हमें बोलना क्या है, वही बोलना है, वही हेनरी, हमने रिस्पेक्ट देनी है उन साइंटिस्ट को, इसीलिए एच जो है वो कैपिटल रखा हुआ है। तो यूनिट्स पता लग गए। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की है ना, करंट चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई साथ वाले लूप के साथ, जो मेरे हाथों की शेडो बन रही है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, कभी कम ज़्यादा जा रही है, तो उसके कारण यहाँ पर एक करंट बन गया, बट वो करंट भी तो चेंज होता रहेगा है ना, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, कभी करंट ज़्यादा हो रहा होगा तो करंट आएगा इस तरह से आएगा कि इसको अपोज कर सके, कभी कम हो रहा होगा तो उसको अपोज करने लग पड़ेगा, तो करंट की डायरेक्शन भी यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह हो जानी है, जैसे हमने सप्लाई दी है वैसे यहाँ पर आ जानी है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसका करंट चेंज कर रहा है तो यहाँ भी ये अपना प्रभाव डाल देगा, यानी कि एक तरह से प्राइमरी कॉइल अब ये हो गई। अब ये क्या करेगा, अपने करंट के कारण इसको प्रभावित शुरू कर देगा, इसकी भी म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी। उसका फॉर्मूला देखते हैं, आप पढ़ पाते हैं मेरे साथ साथ कि नहीं, ईएमएफ इन, ये कौन सा ईएमएफ है सर, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, कोई बैटरी थोड़ी ना लगाई है, ये जो भी हम बोलेंगे हम वर्ड्स बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, दिस इज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन लूप टू, राइट। अब मैं कर रहा हूँ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन लूप वन, ई वन लिख दिया है, होगा क्या इक्वल के माइनस एम, जो इंडक्टेंस होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो सेम होगी दोनों लूप के लिए, और चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम, कहने का मतलब चेंज इन करंट विद टाइम, कौन सा करंट सर, ये जो हो रहा है विच इज हैपनिंग, द चेंज विच इज हैपनिंग इन द लूप टू। तो हम दोनों लूप्स में जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यही, ये चीज़ें दिमाग में डाल लीजिए, सेटअप डाल लीजिए, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। Thank you.